हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं सरदना नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव जी। मोनिका उमराव जी, आपने 8/7/2024 को चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद सरदना में किन किन समस्याओं का, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, चार्ज लेने के बाद हमारा मुख्य फोकस जो था वो पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था की तरफ था। जब मैंने यहाँ का चार्ज लिया तो मैंने देखा कि कुछ मोहल्लों में थोड़ा सा दूषित पेयजल जा रहा है और कमरा नवाबान की भी, उसमें मैंने तत्काल उसका रिबोर करवाया और सही से पेयजल सप्लाई करवाई। इसके अलावा सफाई व्यवस्था पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और सभी कर्मचारियों को हमने अवगत करा दिया है कि सफाई के कार्य में कोई भी ढीलाढ़वाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका मेरे द्वारा स्वयं भी निरीक्षण किया जाता है समय समय पर। और सबसे बड़ी जो मुझे यहाँ पे चुनौती कहें या समस्या कहें, वो है डेयरी संचालकों के द्वारा जो नाली में गोबर बहा दिया जाता है। इसके संबंध में मैंने डेयरी संचालकों की मीटिंग भी बुलाई थी और मैंने उनको ताकीद भी किया था कि इस तरीके से आप लोग ना करें, लेकिन वो अभी इस पर कोई उन लोगों ने ठोस कदम नहीं उठाया है। तो इस संबंध में हमने अपने उच्च अधिकारियों से भी बात किया है और हमारे बोर्ड ने भी तय किया है कि इस संबंध में जो भी डेयरी संचालक हैं उन पर प्रति भैंस के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए या उनसे कोई शुल्क वसूला जाए, जिससे कि उनकी जो गोबर की जो समस्या है तो उनके पैसे से ही और शुल्क लेकर के या जुर्माना लेकर के उसको सॉल्व किया जा सके। मोनिका जी, जैसे ये गोबर वाली समस्या है तो डेयरी एक उद्योग है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों की जीविका का पालन है, दूध उत्पादन होता है, बावजूद इसके गंदगी हो रही है नगर में। इसके बारे में कई बार समस्या आई कि कोई नाला बनाया जाए या डेयरी जोन जो है इस तरह से किया जाए कि जहाँ से इनके लिए अलग गोबर गैस प्लांट या कोई इस तरह की चीज़ की जाए, जिससे कि मतलब गोबर का निस्तारण भी हो जाए और गंदगी भी ना हो। तो ऐसा कुछ आपने कोई प्रस्ताव भेजा है, कोई किया है? जी हाँ, गोबर गैस प्लांट के लिए हमारी उच्च अधिकारियों से बात भी हो गई है और इस संबंध में हमारे यहाँ हिंडन नदी के संबंध में मीटिंग भी होती है। तो उसमें उन लोगों ने गोबर गैस के प्रपोजल मांगे, मेरे द्वारा गोबर गैस का प्रपोजल इस पर बनाया जा रहा है। लेकिन गोबर यहाँ पर सॉलिड फॉर्म पे नहीं है, लिक्विड फॉर्म पर है जो कि हमारे नालों पे जम जा रहा है। तो उस संबंध में यहाँ पे हमने जब पता किया तो कई जगह गड्ढे भी पहले बनाए गए थे पूर्व अधिकारियों के द्वारा, जिससे कि पूरा गोबर वहाँ पर रह करके उसको कलेक्ट करके उसका खाद भी बनाया जा रहा था। तो इस दिशा में तो पहले से ही कार्य हो रहा है नगर पालिका में, लेकिन गोबर गैस प्लांट नहीं था उस दिशा में मेरे द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। अभी 155 घंटे हमारे यहाँ सफाई अभियान चला तो जो काफ़ी समय पुराने जो बड़े बड़े ढेर थे कूड़े के, उसको भी खत्म कर किया गया जो छोटे थे। बड़े ढेर के लिए हमने अभी एक टेंडर निकाला है जो आपके इमारत सेंटर के पास है, उससे भी नगरवासियों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। उसके संबंध में हमने एक एग्रीमेंट किया है कंपनी से जिससे खाद बना करके देगी हमें। हाँ, नगर में जैसे पेयजल का आपने बताया उसकी समस्या का, तो पानी के पीने की जो समस्या है, पीने के पानी की, वो मतलब पूरा पानी पहुंच रहा है सब जगह या कुछ अभी बोरवेल वगैरह आपको कराने हैं? देखिए, मोस्टली तो सभी जगहों में पानी पहुंच रहा है, जहां पर नहीं पहुंच रहा है वहां पर कोशिश की जा रही है और टैंकर के द्वारा भी हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन चूंकि यहां पे एक पूरा टेंडर हो चुका है अमृत 2 के तहत जो कि जल निगम के पास है, जल निगम के द्वारा यहां पे पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं और पूरे नगर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे कि जब इनका कार्य पूरा हो जाएगा तो पेयजल की समस्या सदना से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो अब ये कार्य समय नगर निगम जल निगम के पास है। जल निगम द्वारा मैडम जो सड़कें खोदी जा रही हैं वो काफ़ी दिन तक जो है इसी तरह से पड़ी रहती हैं, तो इस तरह से रास्ते भी खराब हो रहे हैं, उसका भी कोई समाधान निकाला जा रहा है? देखिए, इसके लिए ही पूरा जल निगम को पूरा इसका प्रोजेक्ट दिया गया है, वो अपनी पाइपलाइन खोदेंगे, उसके बाद उसको बनाएंगे और वही लोग ही सड़कों की मरम्मत करेंगे। सरदना नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? यही कि हाँ, नगर पालिका का सहयोग करें और इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डालें और हमारे यहाँ से जो घर घर कूड़ा कलेक्ट किया जाता है तो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग कलेक्ट करें। और अगर सफाई से संबंधित कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारी जो हेल्पलाइन है 24 घंटे ही खुली रहती है, मेरे द्वारा स्वयं फ़ोन उठा लिया जाता है हमेशा और जनता की समस्याएँ सुनी जाती हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।